व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में सफलता भी मिलेगी। और इतनी बड़ी सफलता मिलेगी आप लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा अगर आप एक बार अपने काम को खुशी से करना स्टार्ट कर देते हैं तो। जी हाँ, किसी भी एक ऐसा पर्सन को उठा लीजिए जो आज की डेट में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। अगर आप लोग उसे पूछेंगे तो आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो आप लोगों को एक ही बात बताएगा कि जो कर रहे हो उससे प्यार करो। जी हाँ, जहां पर हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, अगर आप उसको काम को प्यार से करते हो, अगर आप उस काम को खुशी से करते हो, तो आपको उसमें इतनी ज्यादा सफलता मिलेगी कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप लोगों ने ये चीज अपने इर्द गिर्द भी देखी होगी। नॉर्मली एक ठेली लगाने वाला होता है या फिर एक गोलगप्पे बेचने वाला होता है, अगर वो अपना दिल जान लगाकर वो चाट बनाता है, गोलगप्पे बनाता है, कहने के लिए तो बहुत छोटा सा काम है, पर लेकिन वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है और बहुत खुश भी रहता है। अगर वो उसको दिल लगाकर बनाएगा तो उसमें टेस्ट ऐसा आएगा कि आसपास में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोगों को उस तरीके का टेस्ट दे सके। तो इस तरीके से अगर चाहे कोई भी काम क्यों ना आप लोग कर रहे हैं, एक मैंने YouTube पर वीडियो देखी थी, उसमें एक यहाँ पर ट्रैफिक होलदार था, वो डांस कर करके लोगों को रास्ता दिखा रहा था। तो मतलब मैं देख के सरप्राइज था, मैंने कहा ये देखिए यार, यहाँ पर भी आदमी अपने आप को एंटरटेन कर सकता है। जहां पर नॉर्मली किसी को खड़ा कर दिया जाए तो फ्रस्ट्रेट होता हुआ नजर आएगा, पर लेकिन वो इंसान वहां पर डांस कर लोगों को रास्ता दिखा रहा था, लोगों को एंटरटेन भी कर रहा था, अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा था और अपने काम को एंजॉय भी कर रहा था। तो इस तब मुझे बात एक समझ में आई कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अगर एक बार को ये सोच ले कि हाँ मुझे ये करना है और उसको मुझे एंजॉय करना है, तो फिर वो देखे कितना लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा और कितनी खुशी से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। तो कोशिश कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं खुश होकर कीजिए और एंजॉय कीजिए काम को। 8 मार्च है, देख लेते हैं। नैनो मैगजीन के तहत पीआईबी योजना, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, प्रीलिम्स से कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स भी आप लोगों के सामने होंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पीआईबी की और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज कौन सी है, बात की जा रही है नाइल फेस्टिवल के बारे में जो कि इंडिया से कनेक्टेड है। मैंने आप लोग से क्वेश्चन भी पूछा था उस टाइम पर, मैंने आप लोगों को ये मैप भी दिखाया था, जिसने वीडियो देखी होगी उसको याद होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस रिवर का नाम याद रखिएगा, नाइल रिवर है। यहाँ पर इजिप्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इजिप्ट में नाइल रिवर, ठीक है ना, जो पास हो गया इजिप्ट से जा रही है। स्टार्ट कहाँ से होती है, लेक टना, लेक टना से निकलती है ब्लू नाइल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल। लेक विक्टोरिया आप लोग वैसे भी याद रख सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये हो गया युगांडा, ये हो गया कीनिया और ये हो गया तंजानिया, तो तीनों के बॉर्डर पर पड़ती है ये लेक है विक्टोरिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यहाँ से जब लेक व्हाइट, ये व्हाइट नाइल और यहाँ पर ब्लू नाइल दोनों जाकर यहाँ पर कहाँ पर मिलती है, खारतून में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कहाँ पर जाकर गिरती है, ये गिरती है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में, ओके। और इसके ऊपर कौन सा डैम बन रहा है यहाँ पर, ये असवान डैम भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं, काफी बड़ा डैम यहाँ पर बनाया जा रहा है इजिप्ट के द्वारा। तो ये इस रिवर के बारे में जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 6th एडिशन इंडिया बाय नाइल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फेस्टिवल 2018 में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। ये पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, ये 6 मार्च से यहाँ पर 17 मार्च तक चलेगा, ओके। ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं कायरो में, इजिप्ट में। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो। ये एक एनुअल शोकेस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जो कि इंडिया की कल्चर, इंडिया के डांस, म्यूजिक, इंडिया में क्या क्या यहाँ पर जो हमारे कंटेम्प्रेरी जो कल्चर है, जो फूड है, हम योगा जो यहाँ पर देखने को मिलता है, वो सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर फेस्टिवल के अंदर दिखाई जाती है। मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी कल्चर को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में जाकर हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें हैं और आप हमसे कितने अच्छे स्केल पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिगेस्ट फॉरेन फेस्टिवल इजिप्ट में है, इससे बड़ा फॉरेन फेस्टिवल इजिप्ट में कोई नहीं होता है। खुद की कंट्री के और फेस्टिवल होते हैं पर फॉरेन फेस्टिवल को इससे बड़ा यहाँ पर नहीं होता है, ओके। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा दो कंट्री जब इस तरीके से किसी इवेंट में मिलती है तो कई सारे एरिया में वो वर्क करती है साथ में नजर आती है। अब की बार दो न्यू इवेंट भी है यहाँ पर, कुछ स्पेशल अब की बार होने जा रहा है। पहला क्या, यहाँ पर फैशन शो केस नजर आएगा एक तो यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर इंडियन मूवीज, मतलब फैशन भी यहाँ पर दिखाया जाएगा और इसके अलावा इंडियन मूवीज यहाँ पर स्क्रीन की जाएंगी। तो ये दो अब की बार नई चीजें हैं यहाँ पर जो कि पहले कभी नहीं हुई है। इसके अलावा जो किसके द्वारा यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कौन यहाँ पर मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजिप्ट, हमारी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी जो इजिप्ट में, एक तो वो मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा टीम वर्क आर्ट, ये सारे कोलेबरेट कर यहाँ पर वर्क करते हैं और उसके बाद में ये यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा, अगर आपको इससे कोई पूछे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे, होता कहाँ है, इजिप्ट में, ओके।
फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है इंडिया फर्स्ट हेली टैक्सी, मतलब जिस तरीके से आप लोग देखते हैं टैक्सी वाला खड़ा रहता है और बोलता है भैया आ जाओ बैठो और चलो, इसी तरह की यहाँ पर आप लोग हेलीकॉप्टर अब नजर आएंगे, ये यहाँ पर एक टैक्सी का काम करते हुए नजर आएंगे और ये इंडिया में फर्स्ट इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है कारनामा? हो रहा है बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटका में ये कारनामा यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका को आईटी कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया की, तो इसीलिए आप लोग देखते हैं आईटी की मैक्सिमम इंडस्ट्री वहां पर देखने को मिलती है। वहां पर फास्ट लाइफ काफी मानी जाती है, तो कई बार जाम में फंसे रहते हैं लोग, अगर इधर से उधर जाना पड़ता है, कई बार इस तरीके की एक्टिविटी होती है, मान लीजिए किसी को एयरपोर्ट तक जाना है तो वो नहीं जा पाता है कई रीजन की वजह से, बड़े बड़े लंबे लंबे जाम लगे रहते हैं, तो उसी को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं, ये है बेल 407 जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराने जा रहा है, तो दो तीन बातें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। देखिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है एक तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक तरीके के बॉन्ड नजर आते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इलेक्शन बॉन्ड के बारे में, तो पैसा वहां पर पे किया जाता है और कई बार इस तरीके की एक्टिविटी होती है, यहाँ पर कई सारी कंपनी अपने बॉन्ड निकालती है यहाँ पर ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पार्टी को पे करते हैं पैसा, तो वहां पर क्या करते हैं बॉन्ड खरीदे जाते हैं और वो वहां पर फिर जाके पैसे जो पार्टी को हम लोग पैसा पे कर देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है और सबसे सिक्योर मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है उसको पे करें। अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी निकाल रही है, एक बार को कंपनी कोई बॉन्ड निकाल रही है तो कई बार ये रहता है कंपनी फ्रॉड है फर्जी है लेकर भाग गई, पर लेकिन गवर्नमेंट कहां जाएगी, तो इसलिए काफी सेफ माना जाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना। तो यहां पर देखने को मिलेगा जो यूएसए की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, 12th लार्जेस्ट यहां पर फॉरेन कंट्री है हमारी जो कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रखती है। हमारी कंट्री में 1.47 बिलियन आज की डेट में यहां पर इनके 1.47 बिलियन यहां पर रुपए की इनकी सिक्योरिटी हमारी कंट्री में है। ये बात की जा रही है 2017 तक की, दिसंबर तक की बात की जा रही है। आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके पास में है, यह है चाइना के पास में। दूसरे नंबर पे किसके पास में है, यह है जापान के पास में। तो यहाँ पर बात चल रही है ट्रिलियन में, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रिलियन में क्यों है, उसका रीजन ये है, ये सारी कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे बात कर ले चाइना की और चाहे बात कर ले जापान की, तो दोनों ही एक्सपोर्ट हब है। तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं इंडिया का यहाँ पर पोजिशन कितनी है, 12th पोजिशन यहाँ पर इंडिया की है और ये जस्ट बिहाइंड द सऊदी अरेबिया है, तो काफी बड़ा आप लोग यहाँ पर अचीवमेंट इसको मान सकते हैं। काफी न्यूज में इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात की जा रही है फिनटेक स्पेस के बारे में। फिनटेक ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी नई टर्म निकल कर आ रही है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। यहाँ आखिर क्या सिस्टम है यहाँ पर, ये सिस्टम एक ऐसा है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग मेथड्स यूज करते हैं सर्विसेज डिलीवर करने को, तो कोई भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, किसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, लेकर यहाँ पर एटीएम से जो भी यहाँ पर पूरी बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती है, सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, एक ही स्टेज पर यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिनटेक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये डिसरप्ट करने की बात कर रहा है जो ओल्ड सिस्टम आज के डेट में हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसकी स्टडी करने के लिए हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई है। आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जैम ट्रिनिटी है जिसको बोलते हैं जनधन आधार और मोबाइल, तो इस तरीके से हम लोग आज के डेट में इसके बेस पर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस टेक्नोलॉजी को आप लोगों को देखने को मिलेगा नया एक तरीका, यहाँ पर एक तरीका नया स्पेस क्रिएट किया जाएगा और उसके तहत सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ में चलना चाहते हैं, उसी के तहत यहाँ पर कमेटी सेटअप की गई है। कमेटी का नाम याद रखेगा, यह है सुभाष चंद्र गर्ग, तो इनके अंडर में ये है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इनके अंडर में आप लोग यहाँ पर कमेटी देखने को मिलेगी। इंडिया यहाँ पर काम करेगी सिंगापुर यूके और चाइना के साथ मिलकर, ताकि यहाँ पर इस तरीके टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सके और आगे आने वाले टाइम में अगर कोई अच्छे से इसका यूटिलाइज हो सकता है तो उसको किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है उसमें भी हम लोग अपना पार्टिसिपेट दे सके। तो इस बारे में ये थोड़ा याद रखिएगा, फिनटेक की फुल फॉर्म क्या है, एक न्यू तरीके के यहाँ पर मेथड यूज किया जाएगा जो फाइनेंशियल सर्विस उनको डिलीवर करने के लिए इनोवेटिव आइडिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। कमेटी सेटअप की गई है उसको देखिएगा थोड़ा, तो ये इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती हैं, खासकर अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो टर्म कई बार आ जाती है। नॉर्मली आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जब इलेक्शन की बात आती है, अगर बात करें पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, ये चार इलेक्शन जो होते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब बात करते हैं यहाँ पर पंचायत अथॉरिटी की, पंचायत की बात करते हैं और म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, तो ये स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के बारे में कि जिस तरीके से पंचायत के इलेक्शन की बात की जाती है कोऑपरेटिव के भी इलेक्शंस कराएंगे, उसकी अथॉरिटी यहाँ पर बात की जा रहा है, ठीक है। तो अनाउंस किया है गवर्नमेंट किसने, हरियाणा ने। स्टेट ने यहाँ पर बोला है कि इलेक्शन प्रोसीजर पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहाँ पर किया जाएगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा लेकर आए। ये एनकरेज करता है गांव के एरिया में किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है और एनकरेज किया जा सकता है लोगों को अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए अगर वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करते हैं तो काफी अच्छा रोल प्ले करेगा ग्राउंड लेवल पर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी को पहुंचाया जा सकता है जब सब मिलकर यहाँ पर वर्क करेंगे तो। अकाउंटेबल ठहराया जाता है यहाँ पर जो भी यहाँ पर वर्क करता है इसके अंदर, वो भी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अमेंडमेंट किया गया था पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट में, आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट फोर डीपीएसपी में, और ये पार्ट इलेवन जो पार्ट नाइन थे जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी रखी गई है वहां पर आप लोग यहां पर नजर आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर पार्ट इलेवंथ बी में यहां पर नजर आएगा। पार्ट नाइन्थ में क्या है यहां पर पंचायत है, पार्ट नाइन्थ ए में क्या है म्युनिसिपैलिटी है, और पार्ट इलेवंथ बी में क्या हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी शाम को, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, शाम को हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेक्चर में मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ क्या क्या म्युनिसिपैलिटी है, क्या यहाँ पर पंचायत है। और जिस किसी ने नहीं देखा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर पूरा कंप्लीट लेक्चर है यहाँ पर, लेक्चर आप लोग देखते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, कैसे है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, सब चीजें मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की थी। ओरिजिन कहां से है, कहां निकल कर आया था, लेक्चर का लिंक भी आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे यहां से या फिर यहां से टेलीग्राम से तो आप लोग इसको कॉपी कर यहां से डायरेक्ट भी आप लोग लेक्चर पर पहुंच सकते हैं, जाकर देखिएगा आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन यहां पर रहेगी, आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए खासकर जब बात आती है हमारे गांव की हमारे रूलर की इकोनॉमी के बारे में। ओके आइए अब आगे चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के बारे में याद रखिएगा, काफी न्यूज में था यहाँ पर, थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर बात की जा रही है लिबेरिया की, तो लिबेरिया लाइबेरिया आप लोग बोलिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं और जॉर्ज वे यहाँ पर ये नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, 25th प्रेसिडेंट ये यहाँ पर है 2018 में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, ये रिटायर फुटबॉलर है, थोड़ा न्यूज में थे काफी इस वजह से, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को न्यूज का पता होना चाहिए। वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ओके, बॉर्डर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, सेरी लियोन हो गया यहाँ पर, यहाँ पर गुनिया हो गया, इसके अलावा कोस्ट अफ्रीका यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तीन कंट्री यहाँ पर बॉर्डर इसका टच करती हुई नजर आती है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन में आप लोग देखते हैं ओशन में यहाँ पर ये नजर आएगा, बिल्कुल लैंड लॉक कंट्री नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर बात करूं यहाँ पर इसकी कैपिटल की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मोनरोविया, और यहाँ पर बात की जाए अगर इसकी करेंसी की तो लाइबेरियन डॉलर यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। तो कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं खासकर प्रेसिडेंट के बारे में, ये यहाँ पर आप लोगों को रिटायर्ड प्रोफेशनल फुटबॉलर जो कि आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर स्ट्राइकर की पोजीशन पे ये प्ले किया करते थे। तो अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा अभी प्रेसिडेंट बना है जो पहले फुटबॉलर था, तो लाइबेरिया आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, लोकेशन आप लोग देखते हैं, लोकेशन बिल्कुल यहाँ पर केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड करती है इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला में, साउथ इंडिया में पड़ता है, और खासकर अगर बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वेस्टर्न घाट के अंदर, इस वाले एरिया को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएगा, और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में पड़ती है, तो उसके तहत ये भी प्रोटेक्टेड एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इरावकुलम नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पर साउथ में देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, लेटेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग बैंक के एग्जाम दे रहे हैं तो, एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बताया था कि ये बैंकिंग में भी पूछा गया था, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कोयडा इकेनाल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्ट में, तो तीनों यहाँ पर आप लोग अभी लेटेस्ट यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान से रखिएगा, इस तरीके की बातें कई बार पूछ जाती है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई है क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते केरला में होगी, नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में बताएंगे, तो वेस्टर्न घाट में पड़ रहा है। इसके अलावा आप लोग चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो इसको कंसीडर यहाँ पर अंडर कंसीडरेशन है, किसके लिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कंसीडरेशन के लिए रखी गई है, तो इसलिए करंट में भी ये थोड़ा है, तो थोड़ा याद रख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लोकेशन भी देख सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, कई आप लोगों के एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए थोड़ा फोकस डालते हैं यहाँ पर योजना के बारे में, पर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, कोशिश कीजिएगा 150 से 200 वर्ड में आंसर देने की। ओके, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहिए, देखिए किसी को देखकर आप लोग प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, जो कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहिए। बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट क्या क्या चैलेंजेस हैं जीएसटी को ढंग से इंप्लीमेंट करने के और किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, उनके बारे में कुछ यहाँ पर बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जीएसटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारी योजना चल रही है यहाँ पर कंप्लीट गुड्स और सर्विस टैक्स के बारे में। तो गुड्स और सर्विस टैक्स आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर एक कंबाइंड टैक्स किया गया, यहाँ पर बहुत सारे जो टैक्स थे जैसे सेंट्रल एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया जो कि हर एक स्टेट का आप लोगों को अलग अलग नजर आता था, इन सबको मिला के हमारी कंट्री में एक टैक्स हम लोग लेकर आए।
पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ये टैक्स आप लोग याद रख सकते हैं। कास्केडिंग टैक्स की हुआ करती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करता था, उसको भी हम लोगों ने यहां पर घटा दिया। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक कंप्लीट मार्केट हमारे यहां पर नजर आ रही है आज की डेट में। अगर कोई प्रोडक्ट आज की डेट में तमिलनाडु में कितने का बेचा जा रहा है, वही आप लोगों को उसकी वैल्यू नजर आएगी उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में। इस तरीके से यहां पर एक सिंगल मार्केट बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, शराब वगैरह हो गया, रियल इस्टेट सेक्टर हो गया, ये अभी बाहर है, पर लेकिन आने वाले टाइम में इनको भी इसमें काउंट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें अंदर करने की कोशिश, डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में एक कंप्लीट जीएसटी यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सके। इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी यहां पर निकल कर आएगी अगर जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क यहां पर नजर आएगा। देखो जीएसटीएन हम लोग बोल रहे थे, वो अच्छे से अगर वर्क कर पाता है यहां पर, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर फ्यूचर में भी प्रॉपर वे में चीजें चलती रहती हैं तो एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा आप लोग बोला जाते हैं यहां पर, आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1 से 1.8% तक लगभग जीडीपी यहां पर बढ़ती नजर आएगी, अगर प्रॉपर वे में ये फ्यूचर में अच्छे से काम कर पाता है हमारा जीएसटी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जीएसटी के बारे में पता होनी चाहिए। अब ये बात तो हमने कर दी जरा सी देर में कि हाँ ये फायदे हो रहे हैं, पर लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आप लोगों को नजर आएंगे। आखिर वो चैलेंजेस क्या हैं? देखिए हमारी कंट्री में आप लोग देख सकते हैं, कहने के लिए आज की डेट में हमारी कंट्री में जियो नेटवर्क चल रहा है, पर लेकिन बहुत से दूर दराज के एरिया ऐसे हैं, गाँव के एरिया ऐसे हैं जहाँ आज तक इंटरनेट तक या बिजली तक नहीं पहुंची है। इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात है, हमारा आज तक लाइट तक नहीं पहुंची है। तो सबसे बड़ी बात ये किस तरीके से हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आईटी सेक्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि वहां तक सारी चीजें पहुंच जाए और कोई भी इंसान आराम से कंट्री के किसी भी कोने में बैठकर अपना अच्छे से जीएसटी को पे कर सके। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक स्टेट अच्छे अच्छे हो गए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, और इनकी बड़ी बड़ी सिटीज होगी यहां पर, तो आप लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगी, मतलब सारी चीजें यहां पर अवेलेबल होंगी जिसके बेस पर हम लोग एक जीएसटी का नेटवर्क बना सकते हैं, अच्छे से वर्क कर सकते हैं। पर लेकिन ये हर एक एरिया में नजर नहीं आएगी, बहुत सारे एरिया आप लोगों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड उत्तर प्रदेश आप लोगों या फिर बिहार की बात कर लीजिए, या फिर कई सारे एरिया आप लोग नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं जहां तक कोई भी आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को अभी काम करना बाकी है, तो वहां पर कम से कम हम लोग बहुत अच्छे से फोकस देकर चलेंगे तो वहां पर काम कर पाएंगे। आगे बात की जा रही है ऑफिसियल ट्रेनिंग की। देखिए जो ऑफिसर्स हैं आज की डेट में जो है सब चीजों को हैंडल करके चल रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंसिटिव होने चाहिए उनको टुवर्ड्स द हमारी सोसाइटी के। अगर कोई भी किसी तरीके की एक्टिविटी हो रही है, सबसे पहली बात है अवेयरनेस की, अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज के डेट में एक एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा इंसान भी जीएसटी को ढंग से नहीं समझ पा रहा है तो फिर नॉर्मल इंसान क्या हो गया। और आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है लिटरेसी की वही बेकार है। जो आदमी अपना नाम लिख लेता है, साइन कर लेता है या थोड़ा बहुत पढ़ लेता है हल्का फुल्का सा, उसको लिटरेट मान लेते हैं, ये कोई लिटरेसी की डेफिनेशन नहीं है। अगर ढंग से लिटरेसी की डेफिनेशन इंप्लीमेंट किया जाए तो देखने को मिलेगा लगभग 30 से 40% इंसान ही ढंग से पढ़े लिखे आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये सारी बातें यहां पर निकल कर आती है, तो ऑफिशियल की जो ट्रेनिंग अगर की जाएगी ढंग से तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव होंगे और चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए ढंग से नजर आएंगे। नेक्स्ट बात की जाती है न्यू रजिस्ट्रेशन की। देखिए कुछ तो अवेलेबल रजिस्ट्रेशन है, कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन जो आ रहे हैं अब टैक्स स्ट्रक्चर में जो आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए, या फिर जो पुराने थे माइग्रेट कर रहे हैं आज की डेट में जीएसटी के तहत, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करना है, उनको बिचौलिया का सहारा लेना पड़ रहा है इस काम को करने के लिए, तो इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए। जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं बहुत सारे, जो पुराने टैक्स के केस हुआ करते थे, मान लीजिए जिसे मैंने आप लोगों को सारे टैक्स बताए यहां पर, आप लोग देखते हैं सेंट्रल एक्साइज बताया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, इनसे रिलेटेड पुराने केस अब तक चल रहे हैं, तो उन केसेस का यहां पर अब तक निपटारा नहीं है, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? तो यहां पर ऑलरेडी यहां पर बात की जा रही है क्या कर विवाद संविधान, तो इसके बारे में है थोड़ी बात की जा रही है, पर लेकिन स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट अब तक नहीं किया गया, तो इसको ढंग से इंप्लीमेंट करें तो थोड़ा चीजों को सुलझाया जा सकता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। जब बात आती है सेंट्रल स्टेट दोनों ही लेवल पर जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बाद में एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन नजर आएगा, तो वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करके चल रहा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है, किस तरीके से यहां पर जो भी प्रॉब्लम इससे निकल कर आ रही है उसको टैकल करके चल रहा है, वो सारी बातें भी देखनी पड़ेगी। तो ये कई सारे चैलेंजेस, अगर इनका हम सब अच्छे से निवारण कर पाते हैं तो हमारी कंट्री में जीएसटी को हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये था जीएसटी के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा योजना चल रही है, अभी खत्म होने वाली है, लास्ट में आने वाले हैं हम लोग, जीएसटी कंप्लीट आप लोग यहां पर कवर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों से जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप लोग डे बाय डे यहां पर डेली लेक्चर को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो। ओके आइए अब आगे चलते हैं। पॉलिटी चल रही है हमारी शाम को, तो आप लोगों को रिविजन करना है यहां पर 84th लेक्चर का, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा विरोधी दल बदल कानून के बारे में जिक्र यहां पर किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पर, जो कि 52 मतलब यहां पर 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत यहां पर किया गया था, इसमें कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी डिटेल में, तो जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पे आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिया नेवल कमांड के बारे में, जो अभी यहाँ पर मिलन एक्साइज 2018 हुई उसके बारे में जिक्र किया गया है कि किधर हुई थी ये, पोर्ट ब्लेयर की कौन सी यहाँ पर जो कमांड है नेवल की वो इसको हैंडल कर रही थी। न्यूज में क्यों थी, न्यूज में इसलिए थी क्योंकि आप लोगों को पता है मालदीव में इमरजेंसी लगी हुई है और मालदीव के साथ में हम लोग मिलकर ये काम कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर देखने को मिला मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पर यह बात निकल कर आई थी और मैंने इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में डिस्कस भी किया था, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी सेटअप किया है, इसका तो मैंने आज ही आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है फिनटेक स्पेस के बारे में, तो एक कमेटी का आप लोगों को नाम बताना। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्री सैनिटरी नैपकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्कीम निकाली गई है जिसको बोला जा रहा है खुशी, तो आप लोगों को बताना है ये किस स्टेट ने स्टार्ट की है। तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिएगा पढ़कर। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, इन क्वेश्चंस के आंसर हैं और जो बताइएगा आप लोगों कितने मार्क्स मिले हैं और अपने क्वेश्चन भी आप लोग पूछते रहिए अच्छे से। बात की जा रही है अमा गांव अमा विकास, हमारा गांव और हमारे विकास के बारे में बात की जा रही है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यहाँ पर जो गांव वाला एरिया होता है उसको डेवलप करने के लिए, किस गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये नवीन पटनायक जी जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर उड़ीसा के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। स्टेट से ओरिएंटेड स्कीम आ जाती है कई बार, खासकर अगर वुमेन से रिलेटेड बात हो रही है, अगर गांव से रिलेटेड बात हो रही है और इस तरीके से अगर कोई डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का उससे रिलेटेड बात हो रही है, तो इस तरीके की स्कीम्स कई बार पूछ ली जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था किस किस के बीच में, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर, तो एक तो इंडिया था, ठीक है, दो कंट्री और थी वो कौन सी थी, रशिया और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में यहाँ पर नया न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बात चल रही है जिसके तहत इंडिया भी वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है रशिया के साथ में मिलकर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात हम लोगों ने देखी थी यहाँ पर इंडियन वुमेन रेसलर क्लिंच कितना इंडियन, ये इंडिया फर्स्ट गोल्ड, तो फर्स्ट जहां पर आ जाता है तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है 2018 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो ये कौन थी, ये थी नवजीत कौर। हराया किसको इन्होंने यहाँ पर, जापान की माया इमाई को हराया है, उसका भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 2000 अभी यहाँ पर आप लोगों को जो ओलंपिक नजर आए थे पास्ट में 2016 के, तो साक्षी मलिक ने वहां पर ब्रॉन्ज जीता था, तो यहाँ पर भी साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता है, तो नाम याद रख सकते हैं दोनों का, नवजोत कौर का भी और साक्षी मलिक का भी, दोनों का नाम आप लोग यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर जब वुमेन की बात आती है और फर्स्ट टाइम कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आइए नजर डालते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। इंडिया नाइल ये फेस्टिवल हम लोगों ने देखा जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला इजिप्ट में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 6th एडिशन था ये, इसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली पिक्चर भी 6 से 17 मार्च तक यहाँ पर चल रहा है, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के बारे में जाना जो कि हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये अमेंडमेंट किया था 97, ये अमेंडमेंट किया गया था 2011 में जिसके तहत यहाँ पर ये कोऑपरेटिव जो एक सोसाइटी बनाने की बात आ गई और इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया। पार्ट 3rd में इसको देखा, पार्ट 4 में देखा और पार्ट 9th A में हम लोगों ने इसको देखा अच्छे से। इसके लिए मैंने आप लोगों को लेक्चर भी बताया है, आप लोग लेक्चर जाकर देख सकते हैं, लेक्चर का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, काफी शानदार लेक्चर है, आप लोग जाकर देखेंगे टोटल डिटेल में आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअल में ये है क्या। फिनटेक के बारे में टोटल जिक्र किया हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा क्या ये होता है वो भी बताया आप लोगों ने, यहाँ पर कमेटी का नाम भी आप लोगों को दे रखा है जिसका आप लोगों को क्वेश्चन भी मैंने पूछा। इंडिया के बारे में देखा हम लोगों ने, 12th लार्जेस्ट फॉरन यहाँ पर सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होल्डर हो गया जो कि यूएसए की है, और यहाँ पर फर्स्ट पे कौन है, चाइना, और दूसरे पे है जापान, इसका भी थोड़ा आप लोग इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। आगे हम लोगों ने देखा इंडिया फर्स्ट हेली टैक्सी यहाँ पर देखी जो कि कर्नाटक में स्टार्ट की गई है बेंगलुरु में, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करेंगी और नाम है Bell 407 हेलीकॉप्टर के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर जानने को मिला चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और इसके साथ में हमने कई सारी और बातें जानी, यहाँ पर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जाना और चिनार के बारे में ये जाना कि ये इसको कंसीडर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही तरीके से आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये है जॉर्ज वेक के बारे में जाना, ये एक फुटबॉलर थे जो कि अब प्रेसिडेंट है कहाँ के, लाइबेरिया के, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखते हैं, थोड़ा हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने रिवीजन बताया पॉलिटिकल जो आप लोगों को जाकर करना है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर योजना के तहत अपना देखा किस तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बेनिफिट और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके लिए आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी दिया जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं और इसके तहत आगे आप लोगों यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देखने को मिले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पर चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और जितना रिविजन हो सके उतना रिविजन कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।